बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप सारे माशाल्लाह तशरीफ लाके ये जो बहुत सारी चेमगोइयाँ फैलती हैं उनकी वजह से जो हमारी कैंपेन चल रही है कोविड की उसमें कुछ हर जाता है। तो इस वजह से सही फिगर्स और आपके सामने जो हम इस वक्त काम कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस पंजाब में आए हैं वो 1707 हैं और जो फेटलिटीज़ हैं पिछले 24 घंटे के अंदर वो 50 हैं और जो टेस्ट हमने किए हैं वो 16,846। पॉजिटिविटी रेशियो, आपको पता है एक रोलिंग रेशियो है जो हम रोज़ाना निकालते हैं, इस वक्त भक्खर जो है उसमें 33% है, लैया में 31% है, मुल्तान में 25% है, टोबा टेक्सिंग में 24% है, फैसलाबाद के अंदर 22% है, गुजरांवाला के अंदर 20% है, पाकपटन में 19% है, लाहौर में 18% है, डेरा गाजी खान में 18% है, सरगोधा में 18% है, भावल नगर में 17% है, विहाड़ी में 16% है, खानेवाल में 15% है, मियांवाली में 15% है, खुशाब में 14% है, चकवाल में 13% है और ये बाकी जो ज़िले हैं वो 11% से कम हैं और आखिरी तीन जो है मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी और गुजरात ये 8% के अंदर हैं। तो ये हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो है ये सब आपको सारे ज़िलों के बारे में मैंने बता दिए। जहाँ हमारे आपको पता है दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर और एक हमारा टर्शी केयर का डिपार्टमेंट है। मेजॉरिटी मरीज़ हमारे टर्शी केयर में दाखिल होते हैं लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर के भी बहुत बड़ा एक सेटअप है जिसके अंदर बेड्स जो हमने एलोकेट किए हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के ऊपर वो 2730 है। इस वक्त हमारे बेड्स जो वहाँ ऑक्यूपाइड हैं वो 600 हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट्स के जो बेड्स हैं वो तकरीबन 600 ऑक्यूपाइड हैं। वेंटिलेटर्स जो हमारे पास DHQ और तहसील हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं वो 97 हैं, उन 97 वेंटिलेटर्स में 20 ऑक्यूपाइड है। तो जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स का वो भी साथ साथ चल रहा है इसी तरीके से कि जिस तरह हम सपोर्ट कर रहे हैं टर्शी केयर में इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स पे भी ये सारा काम हो रहा है और बहुत बड़े बड़े हमारे DHQs हैं। जैसे अगर आप देखें शेखुपुरा का DHQ 700 बेडेड हॉस्पिटल है, कसूर का DHQ 500-600 बेडेड हॉस्पिटल है, तो यहाँ सारी फैसिलिटीज़ बमा ह्यूमन रिसोर्स सब कुछ अवेलेबल है। स्मार्ट लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट हुए हैं इसमें एरियाज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 30 स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं दे आर वर्किंग। SOPs पे आपको पता है सारे SOPs के बारे में आपको बताया सब लोगों को कि भाई सहरी और इफ्तारी के दरमियान सब कुछ बंद होगा, सारे रमज़ान बाज़ार वगैरह जो हैं वो 9 से 6 बजे काम करेंगे, इंडोर वेडिंग्स, आउटडोर वेडिंग्स, हर किस्म की सियासी मजहबी इज्तम के ऊपर पाबंदी है, ये उसी तरह चल रहा है। कंप्लीट बैन, कंप्लीट क्लोजर ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स, 50% हमारी वर्किंग कैपेसिटी कर दी है कि 50%, और क्लोजर ऑफ ऑल सिनेमास, थिएटर्स एंड जिम्स, इंश्योर कंप्लायंस ऑफ वेयरिंग फेस मास्क। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बाकी से बहुत कम हो गया जबकि बहुत ज़्यादा था, एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस, और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर लाहौर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट SOPs के ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। और देखें जब इम्प्लीमेंटेशन SOPs पे जब सख्ती से की जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रेट है इन्फेक्टिविटी रेट वो कम होना शुरू हो जाता है। अभी हमें जहाँ जहाँ ये आपको मैंने सारी फिगर्स बताई हैं NCOC की तरफ से आ गया है कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है ये सारी जो SOPs है ये वहाँ अप्लाई होंगी, ये हर उस शहर में जहाँ 8% से ज़्यादा हमारे लिए मसला बना हुआ है। वैक्सीनेशन, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं जाऊँ, सबसे ज़्यादा शोर लाहौर पे मचता है कि जी लाहौर में हालात ख़राब हैं, लाहौर में हालात ख़राब हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ। इस वक्त अगर मैं 25 अप्रैल का मुकाबला करूँ आज 2 मई का, तो आप जो मरीज़ इस वक्त हमारे पास दाखिल हैं अस्पतालों के अंदर वो अगर 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज़ दाखिल थे तो आज 1149 मरीज़ दाखिल हैं, यानी मरीज़ों की तादाद थोड़ी सी कम हुई है। गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जब पिछली दफ़े आपसे बात हुई थी तो 874 मरीज़ थे, आज के दिन में 758 हैं।
प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 446 थे, 466 थे, आज 391 है, 391। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड है। तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं, आपको पता पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन आज के दिन में वी गॉट 50 वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन लाहौर इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। ऑक्यूपेंसी जो हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स की, पिछली दफ़े जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 72% थी, आज 42% है। और लो ऑक्सीजन बेड्स की थोड़ी हमारी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपकी प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ी सी हमारे लिए काम आसान हुआ है कि जो हमारी लो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बड़ी है, क्योंकि उन मरीज़ों को सबको कहा है कि जब आपको ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेहरबानी करके आप कोशिश करें कि अस्पतालों में तशरीफ लाएँ। तो मरीज़ जो हमारे लो फ्लो ऑक्सीजन की ऑक्यूपेंसी 36% पर चली गई है 33% से। नंबर ऑफ डेथ्स लाहौर के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 28 पिछली दफ़े थी, इस मरतबा 23 है 24 घंटे के अंदर। किसी किस्म की ऑक्सीजन की इंटरप्शन नहीं हुई, किसी किस्म की ऑक्सीजन इंटरप्शन सप्लाई जो है उस पर बिल्कुल किसी किस्म का हमें मसला बना। जो अहम आज बात अनाउंस करने के लिए वो ये है, एक्सपो सेंटर के अंदर 280 HDU बेड्स आज से फाल हो चुके हैं। इस मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई हाई ऑक्सीजन फ्लो के साथ एज अ बैकअप सारे अस्पतालों के आपको जो नंबर्स बताए हैं उसके अलावा 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए हैं विद ऑक्सीजन सप्लाई, और आज वहाँ 10 वेंट्स भी लग रहे हैं एज अ बैकअप कि अगर खुदा ना खास्ता अस्पतालों में कोई कमी आ जाए तो हम अपने मरीजों को वहाँ वी कैन ब्रिंग आर पेशेंट्स देयर। अब आ गया वैक्सीनेशन का, मैं आखिर में आपसे सारी डिटेल में बात करूँगी क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको ज़रा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का भी बता दूँ, इस वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर जो हालात हैं, लाहौर का तो आपको मैंने बता दिया। इस वक्त अगर हमारे लिए मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है, जहाँ की तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं, और लाहौर ने इमीडिएटली उनको कवर देने का बात हो गई है, 1122 से बात होगी, उनकी वेंटिलेटेड एम्बुलेंसेज जो हैं वो हमने तैयार करके वहाँ गुजरांवाला भिजवा दी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ और किसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो वेंटिलेटेड ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ लाहौर लाया जाए और लाहौर में उनको जगह दी जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाहौर में एक और भी आपको मैं बात बता दूँ कि हमने प्राइवेट सेक्टर से पिछले आज से 3 दिन पहले मीटिंग की थी, और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, उसमें 300 बेड्स हाई फ्लो ऑक्सीजन के, 300 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, यानी हर हॉस्पिटल ने, यहाँ 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने 20-20 बेड्स हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के दिए हैं, और उनसे ये भी बात, और 2-2 वेंटिलेटर्स। तो उन्होंने हमारे सपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो 300 बेड्स और 30 वेंटिलेटर्स की सपोर्ट हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, जो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ इस वक्त हमारी मंडे को दोबारा मीटिंग है, और वो अपने कुछ बेड्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पे भी देंगे, ताकि हम एक, और प्लस उन्होंने कहा है कि एक रेट जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा कोविड के लिए, ताकि वो जो शिकायतें आती हैं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह हो रहे हैं वो भी ना हो। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि लाहौर के बाहर ऑक्यूपेंसी रेट गुजरांवाला का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और उसके बाद मुल्तान 88% है, अपना भावलपुर 52% है, यानी वेंट ऑक्यूपेंसी रेट 39% डी जी खान है, 38% फैसलाबाद है, 88% गुजरात है, और सरगोधा 80% पे है। ये सारे वो जिनके ज़्यादा हैं, बाकी जगह पे हमारे पास अगर ओवरऑल हम देखें तो वेंट ऑक्यूपेंसी रेट बाहर के जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स को आप मिला लें तो इसके अंदर हमारे पास ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो तकरीबन 51% है। जिन शहरों में बड़ा मसला है वो बता दिया मैंने आपको, मुल्तान है, मुल्तान की ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है, और गुजरांवाला का ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है। गुजरांवाला के लिए जो हमने बात की है वो मैंने आपके सामने रख दी है। ऑक्सीजन डिमांड का इस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर ऑलरेडी
काम करना शुरू कर दिया है स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने। हमारा एक अस्पताल है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उनके पास अपना ऑक्सीजन जनरेटर है और वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि उनकी अपने अस्पताल की ज़रूरत पूरी होती है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें कैबिनेट कमेटी ने परमिशन दी है कि हम जो अपने सारे बड़े अस्पताल हैं, आइंदा फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जनरेटर्स जो है ना, ऑक्सीजन जनरेटर्स, ताकि अस्पताल अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सके, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। उसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया गया है कि जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन जनरेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, आप ऑक्सीजन को कंसंट्रेट भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया। और उसके अलावा ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता हालात अगर ख़राब हों तो हमारे पास अपनी ऑक्सीजन जनरेशन की कैपेसिटी भी हो, बजाय ये कि हम डिपेंड करें कि जी फ्लो जो है, जो इंडस्ट्री से ऑलरेडी बात हो चुकी है, इंडस्ट्री ने इंश्योर किया है कि इंशाल्लाह वो हमें इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि बाकी इंडस्ट्री से भी वो एक डाइवर्ट करने का जो तरीका इख्तियार करेंगे उसके ऊपर मंडे को हमारी एक मीटिंग है जिसके ऊपर वो बताएंगे कि मज़ीद ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो हमारे पास कितनी आएगी। सो इस वक्त मैं ओवरऑल आपको ये बता दूँ कि हमने कैपेसिटी पिछले एक हफ्ते के अंदर भी मज़ीद बढ़ाई, जो एक हफ़्ता गुजरा है इसके अंदर नंबर ऑफ बेड्स को मज़ीद बढ़ाया, कोई तकरीबन आपको बताया 280 बेड्स तो अब वो एक्सपो सेंटर के ऐड हो गए, और उसके अलावा वेंटिलेटर्स बढ़ाए, यानी पिछली दफ़ा और आज आपकी और मेरी दरमियान की मुलाकात के अंदर कोई तकरीबन 30 वेंटिलेटर्स और मज़ीद बढ़ाए गए, जिसके अंदर लाहौर जनरल हॉस्पिटल में भी ऐड हुए और इसी तरीके से मुल्तान को भी भेजे गए। अब इस वक्त जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक है, अस्पतालों के अंदर एक्टेमरा जो है वो अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल है फॉर ऑल आर पेशेंट्स। पिछली दफ़ा 1000 मरीजों के लिए हमने मंगाया था, 946 पेशेंट्स की टिल डेट इस्तेमाल हो चुका है, जब हमारे पास 54 एक्टेमरा के टीके मौजूद हैं और हमने 1000 और मंगवा लिए हैं ताकि हमारे मरीज़ों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। रेमडेसिविर के ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था, बिकॉज पेपर्स जो सामने आ रहे थे उनके मुताबिक ये था कि रेमडेसिविर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और कुछ पेपर्स आए जिन्होंने कहा इफेक्टिव है, तो हमने उसके ऊपर स्टडी शुरू कर दिया दोबारा से, और 3 अस्पताल जो हैं मुकर्रर हुए हैं, पी के लाए, मेयो और इसके अलावा जिना, इन तीनों अस्पतालों के अंदर हम दोबारा रेमडेसिविर पर एक स्टडी करने लगे हैं। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ मंगा के मरीज़ों को थ्रू प्रॉपर ट्रायल देखेंगे कि क्या रेमडेसिविर का भी उतना ही अच्छा इफेक्ट है जितना एक्टेमरा का है, तो वो भी इंश्योर करेंगे कि इस पर क्रिटिसिज्म आई थी कि शायद हम लोग उसको रिजिस्ट कर रहे हैं। रिजिस्टेंस वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जो हमारे पास एविडेंस आ रहा था सामने वो एविडेंस इतना सफिशेंट नहीं था, बट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टी एविडेंस आ रहा था, तो इस चीज़ को फिर मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने दोबारा जो है ये इसके ऊपर काम शुरू करके एंड हम इसके ऊपर ट्रायल करेंगे, और ट्रायल करने के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ। अब आ गया मसला वैक्सीनेशन का, जिस पे असल बात हमने करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इस वक्त वैक्सीनेशन के सिलसिले में सबसे आगे है सारे सूबों के मुकाबले में। कल के दिन में, सिर्फ एक दिन में 78,000 वैक्सीनेशन हुई है, 78,000। हमें हदफ दिया है एनसीओसी ने कि हम 80,000 वैक्सीनेशन रोज़ाना की लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा कल एफर्ट की गई, और इसमें आप लोगों की बहुत मदद है क्योंकि आप इसके बारे में जितनी तशहीर करेंगे उतना फ़ायदा होगा हमें। अब आप 50 की जब से हमने शुरू की है तो वॉक इन आपको पता है उसका फ़ायदा ये हो गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आने शुरू हैं, दे आर मोर अवेयर, नेचुरली काम करने वाले लोग हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, वो ज़्यादा कंसर्नड हैं, तो ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई है। और अब तक हमने, हमारे पास जो पॉपुलेशन 50 और 55 के 59 के दरमियान है, वो 8 मिलियन रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, 8 मिलियन, और उनमें से अभी तक जो हमने कर लिया है वो 1,00,000 और 84,000 जो हैं, ये इसी पिछली और इसके दरमियान, आपको पता पिछली दफ़ा हमने अनाउंस किया था कि हम कर रहे हैं, ये इतनी हम वैक्सीनेशन दे चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो टोटल हैं, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ था पिछली दफ़ा कि उनको हम दे नहीं रहे, 295 आर द टोटल हेल्थ वर्कर्स विच आर रजिस्टर्ड विद अस,
838, उसमें 219 को 219,000 को लग चुका है, दे हैव रिसीव देयर वैक्सीनेशन। अभी हमने एक एक हॉस्पिटल से चेक किया, आपके पास आने से पहले हर अस्पताल के अंदर वैक्सीन अवेलेबल है फॉर आर हेल्थ केयर वर्कर्स, और उनको हम इंकरेज कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। तो जहां तक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको वैक्सीनेशन लग रही है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए हम बाकायदा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स प्राइवेट में कर रहे हैं उनके लिए एक अलहदा सेंटर भी बना रहे हैं, और इसके अलावा उनको इनक्रेज भी करने लगे हैं कि वो हमारे सेंटर्स पे आके जो चल रहे हैं इस वक्त उनके ऊपर आप आके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। हमें एनसीओसी ने कहा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ताकि हम 80,000 का करें, तो अभी हम टोटल अपने जो इस वक्त हमारे काम कर रहे हैं वो 245 सेंटर्स इस वक्त 135 काम कर रहे हैं, 7 और हम ऐड कर रहे हैं, 3 हम लाहौर में ऐड कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो 2 दिनों में फाल हो जाएंगे, और इसके अलावा जो बड़े शहर हैं जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है और गुजरांवाला है, इनके अंदर हम एक एक और सेंटर जो है ऐड कर देंगे ताकि जो रैंप अप करने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बता रही हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा उसके अंदर भी हमारी कैपेसिटी है कि हम 80,000 लगा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन में अगर आपको मैंने बताया कि 78,000 लगाया है, अगर मैं पिछले हफ्ते की आपको एवरेज बताऊँ तो वी वर एट 55,000, मतलब ओवरऑल 55,000 वैक्सीनेशन हैज़ बीन गिवन पर डे। जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है वो साइनोफार्म है, कंसाइनो और साइनोवैक है। हमारे पास टोटल डोजेज़ जो थी वो 21 लाख आई थी, 21 लाख में से इस वक्त हमारे पास जो स्टॉक में है वो 8,33,000 वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। तो इस वक्त वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है कि जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो ये है कि मई के पहले, ये 10 तारीख से पहले पहले 20 लाख वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह पंजाब का होगा जितनी हम वैक्सीन दे रहे हैं। और मेरी आज सुबह जनरल आमिर खान से जो डिटेल में बात हुई है उन्होंने ये बताया कि इस महीने के अंदर अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई तकरीबन 70 लाख वैक्सीन आ जाएगी गवर्नमेंट, और ये सब खरीदी हुई वैक्सीन है। ये जो बात और कहानी चल रही है कि जी ये मांग मांग के हम वैक्सीन, तो मेहरबानी करके जो शुरू की वैक्सीन 10 लाख आई थी उसके बाद ये सब खरीदी गई है वैक्सीन, दिस इज़ ऑल परचेज वैक्सीन। और इस वक्त हुकूमत ने 3 करोड़ डोजेस की ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो अगले 2 माह के अंदर उम्मीद है कि इंशाल्लाह साथ साथ वो वैक्सीन आती रहेगी और साथ साथ लगती रहेगी, एंड द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप दिस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बाइंग दिस वैक्सीन। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक है, पंजाब ने अपना प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुरू कर दिया, हमारा बिडिंग प्रोसेस जो है 11 मई को मुकम्मल हो जाएगा। जो हमें 1.5 अरब रुपया हुकूमत ने दिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी भी वैक्सीन खरीदे, उसका इंशाल्लाह 11 मई को बिडिंग प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाएगा, और 11 मई के बाद जो लोएस्ट बिड होगी उस पर इंशाल्लाह हम ऑर्डर कर देंगे। और उम्मीद है कि जिस तरह की हमारी कमिटमेंट्स हो रही हैं बिकॉज के वो एक महीने के अंदर अंदर हमें जो डोजेज़ हम जो करेंगे वो हमें पहुँच जाएंगी। जहाँ तक होम वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, आपको पता है कि होम वैक्सीनेशन पंजाब के अलावा कहीं नहीं हो रही, और आज हमने 2 एम्बुलेंसेज लाहौर के अंदर मज़ीद ऐड कर दी हैं, और अब तक जो इनकैपेसिटेटेड लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो 2,709 हैं, जिनको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब आ गया है कि जी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसकी ब्रिटिश ट्रेन, एक मुझे दुख इस बात का होता है कि जब आप कोई गलत अखबार में ख़बर देते हैं या जब एक ख़बर चलनी शुरू हो जाती है लोग उससे परेशान हो जाते हैं। आज सुबह से कुछ टिकट्स चल रहे हैं कि जी ब्राज़ीलियन स्ट्रेन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, हमारा अपना जीन सीक्वेंसिंग का सिस्टम है पंजाब के अंदर। मेरी अपनी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट से आज सुबह जब बात हुई तो उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि जितना हमारे पास इस वक्त स्ट्रेन आ रहा है सामने 90% ब्रिटिश स्ट्रेन है, ब्रिटिश वेरियंट है, और 10% जो है अभी भी वो पुराना वुहान स्ट्रेन है। उसने कहा जी हमारे पास इस वक्त तो कोई ऐसा स्ट्रेन नहीं आया, क्योंकि नेचुरली उनके जो आते हैं 2 जो पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राज़ीलियन एक पे साउथ अफ्रीकन, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है, एक मरीज़ इस्लामाबाद का है,
एक मरीज मियाबाली का है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन्होंने की है, किसी को अभी तक उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई और पॉजिटिव नहीं निकला, ओनली टू पेशेंट्स। उन्होंने कहा है कि हमारी जीन सीक्वेंसिंग के ऊपर हमने भी बाकायदा पंजाब के अंदर भी किट्स मंगा ली हैं देखने के लिए कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं उनमें से कोई ना हो। तो जब ये इस तरह की खबर चलती है तो उससे जरा और के जी एक और कोई ऐसा स्ट्रेन भी आ गया है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा ख्याल था ये गलत बयान नहीं है। और फिर ये कहना कि ब्रिटिश वेरिएंट के ऊपर ये जो वैक्सीन हम चाइनीज दे रहे हैं दिस इज़ नॉट इफेक्टिव, लेट मी क्लियर इट अप, दिस वैक्सीन दैट वी आर गिविंग, जो ये चाइनीज़ वैक्सीन हम दे रहे हैं ये दुनिया में रिकमेंड हुई है, दिस इज़ अमंग द बेस्ट वैक्सीन। टाइम आपको मैगजीन जो है वो आपको पता है इट्स एन अमेरिकन मैगजीन, उन्होंने ऊपर सबसे ऊपर रेटिंग इन वैक्सीन की दी, उन्होंने अपनी वैक्सीन की जगह हम ये वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं उनकी रेटिंग दी है, और ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल इफेक्टिव है ब्रिटिश वेरिएंट के। इसकी बात समझने की ये ज़रूरत है, कोरोना वायरस की बेसिक जो कन्फिग्रेशन है वो तो बेसिक ही रहेगी, जब आपकी म्यूटेशंस आती हैं वो म्यूटेशन स्टडी होंगी, क्योंकि वायरस है रैपिडली इवॉल्विंग वायरस होता है, इट कैन इवॉल्व इट सेल्फ एंड मूव इट सेल्फ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज ये बात एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी थी, क्यों हमारी वैक्सीनेशन का जो इस वक्त का प्रोसेस चल रहा है उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस आ गई हमारे लिए, लोग परेशान हो गए ये बात सुन के, और ख़ास तौर पर आप लोगों की तरफ से जब ये खबर आती है तो लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि शायद, तो मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से ये कहूँगी कि लोगों में ये हमें बिल्कुल इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि ये दिस इज़ नॉट इफेक्टिव, ये जितनी वैक्सीन हम मंगा रहे हैं दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगेंस्ट दीज वायरसेस, और अगर कोई तब्दीली आई तो हम आपसे कोई कभी नहीं छुपाएंगे, ना मैंने आज से आप पे पहले भी कोई फैक्चुअल बात छुपाई है, ना आइंदा मेरा कोई छुपाने का प्रोग्राम है, हम आपको बिल्कुल ख़बर में रखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जितना आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे और जितना हम लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड रखेंगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह अगर हमारे पास 3 करोड़ वैक्सीन की ऑलरेडी कमिटमेंट है, बहुत उम्मीद है कि अगले 2-3 माह के अंदर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पता है 50+ की भी हमने शुरू कर दी है और वॉक इन हो रही है, तो जितने लोग होते हैं किसी से ये भी बस उनसे कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अब कल के दिन के बाद हमने 40+ की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी, अब 40+ अपने आप को रजिस्टर करवाएं, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको कोड नंबर ना आए, आपके लिए अभी वॉक इन नहीं है, 40+ के लिए अभी वॉक इन नहीं है, 40+ वाले आप जब भी आएँ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप अपना कोड नंबर लेके आइएगा, तब आपको वैक्सीन लगेगी। 10 दिन के बाद अगर हमने ओपन कर दिया तो इंशाल्लाह बाकायदा उसकी हम अनाउंसमेंट करेंगे ताकि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। दूसरी बात है कि नेचुरली अब रश क्योंकि ज़्यादा लोग जाते हैं तो तहम्मुल मिजाजी, ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी भी होनी चाहिए, लोग नाराज़ होते हैं इंतज़ार नहीं करते, लोग तो घंटों घंटों बाहर के मुल्कों में इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमने तो यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलतें बढ़ाई हुई हैं कि आप लोगों को किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, तो थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी, सुबह के वक्त जब एकदम रश पड़ता है तो लोग कुछ नाराज़गी का इजहार करते हैं, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, हम हर चीज़ जो अगर कायदे कानून के साथ करें और लाइन बना के करें तो हम तो बिल्कुल किसी किस्म का VIP कल्चर जो है प्रमोट नहीं कर रहे, ना कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं जो VIPs हैं उनको आगे खड़ा कर दें, कोशिश ही होती है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, तो आप थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। 1033 की पिछली दफ़ा आप लोगों ने कंप्लेंट की थी कि लाइन नहीं उठाते, 5 लाइनें मज़ीद बढ़ा दी हैं और कोशिश करें कि 5 लाइनें और बढ़ा दें ताकि जो इनकैपेसिटेटेड लोग हैं यानी डिसेबिलिटी वाले हैं, जिनके लिए आना सेंटर्स पे मुश्किल है, उनके लिए हम मज़ीद फैसिलिटी दें। आज सेक्रेटरी साहिबा ने बताया कि 2 और एम्बुलेंसेज लाहौर में हमने ऐड कर दी हैं, आपको पता है 3 पहले चल रही थी, 2 और ऐड कर रहे हैं ताकि लोगों को घर के ऊपर ये सहूलत दे सकें। इसके अलावा जो वैक्सीन का प्राइवेट सेक्टर में है, हमारी तरफ से किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, बार बार ये खबर आती है कि शायद हम कोई पाबंदी लगा रहे हैं किसी किस्म की, प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त है, असल में सप्लाई ऑफ वैक्सीन इज़ अ बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर, हमें
अप्रिशिएट करना चाहिए चाइना को कि चाइना ने जिस तरह हमारे साथ रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह पॉजिटिविटी शो की है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं चाइना की हुकूमत के ख़रीदारी के अंदर भी हमें उन्होंने प्रायोरिटाइज़ करके, और अगर हमें 3 करोड़ वैक्सीन की कमिटमेंट आ गई है तो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है कि वी आर गेटिंग दिस। इसके अलावा आपको जिस तरह बताया है कि जो मेन मसले मसाइल थे उनके वो सारे आपके मैंने सामने रख दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं आपको सही बात बता रही हूँ, आप अपना हमसाया मुल्क देखें और इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें तो मेरा ख़्याल है हर रोज़ हमें शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए और हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे पे इतना फ़ज़ल किया है कि हमारे महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि इस वक्त मरीज़ों की तादाद संभली हुई है। आप कभी नहीं सुनेंगे कि सरकारी अस्पताल में मरीज़ दाखिल नहीं होगा, और हमने उसके लिए कंप्लेंट, आपको पता है कंप्लेंट सेल है, हेल्पलाइन है, मैं हर मरतबा वो हेल्पलाइन भी वो करती हूँ। मैं अभी आपको बता दूँ हेल्पलाइन जो हमारी, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बार दोबारा हेल्पलाइन अनाउंस कर दूँ, 9921135 9921135, और ये 3538 तक जाता है। ये हेल्पलाइन है हमारी कंट्रोल रूम की लाहौर के लिए, और अगर आप इस कंट्रोल लाइन पे फ़ोन करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली जिस अस्पताल में जाना है वहाँ बता देंगे। हर मर्तबा मैं ये भी आपको बताती हूँ कि अगर कोई और नंबर ना याद हो तो आप 1122 को फ़ोन करें, 1122 को फ़ोन करें, उनके पास उनका हर वक्त कंट्रोल रूम के साथ ताल्लुक़ रहता है और वो आपको उसी अस्पताल में लेके जाएंगे जहाँ सहूलत मौजूद है। 24 आवर्स हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है, वहाँ हमारे रजिस्ट्रार्स बैठे हुए होते हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं, टेलीफोन सुन रहे होते हैं, और माशाल्लाह बड़ा एफिशिएंटली चल रहा है। डॉक्टर असद असलम से आपकी सबकी वाकफियत है, हर बंदा उनको जानता है, ही इज़ पर्सनली इंश्योरिंग कि ये सारा मसला जो है, और ऊपर से टर्शी के हॉस्पिटल्स में ये जो हेल्पलाइन नंबर है हमने प्रोमिनेंट जगहों पर भी किया हुआ है। एक और नंबर है जो मोबाइल नंबर है, 0304-111-781, 0304-111-781। अच्छा, ये हेल्पलाइन सारी इसीलिए बनाई हुई है कि मरीज़ों के बारे में कुछ पूछना चाहें तो तब भी बताते हैं हम। वहाँ बाकायदा हर हॉस्पिटल के अंदर हेल्पलाइंस लगी हुई हैं कि मरीज़ों के बारे में उनके रिश्तेदार कुछ पूछना चाहें तो वो भी हम उनको सारी इंफॉर्मेशन दे सकें। और आपको बताया कि हमने नया टैंक लग गया है, कैपेसिटी मुसलसल इंक्रीज़ की जा रही है, नया ऑक्सीजन टैंक जो है वो जिन्हा हॉस्पिटल में लग गया है। इसी तरीके से हर जगह हम कैपेसिटी एनहांसमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके साथ आखिर में है तो इट्स नॉट द सब्जेक्ट, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे और आप सबको भी हिम्मत दे, और आप, मेरा ख़्याल है हम सबको मिलके भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये कोविड की मुसीबत जो है ना ये जल्द से जल्द पाकिस्तान से ख़त्म करे। इफेक्ट है वो नजर आएगा, क्या समझती हैं कि किस हद तक ये लॉकडाउन मुअसर रहा और इसके जो नतायज होंगे उनको देखते हुए हुकूमत इस लॉकडाउन में एक्सटेंशन का इरादा रखती है, क्योंकि अब तो बड़ी हद तक इस पर अमल दरामद बज़ाहिर नजर आ रहा है, आपके पास बेहतर हकायक होंगे, और अगर ये इफेक्टिव है तो आप NCOC को रिकमेंड करेंगे कि इसको एक्सटेंड किया जाए ताकि हम इस वेव जो हालिया चल रही है इस पर कंट्रोल बेहतर अंदाज से करें। मेरा ख्याल है जो देखिए ना, अगर आप इन्फेक्टिविटी रेट देखें और बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में लाहौर का इन्फेक्टिविटी 23 पर चला गया था, 23 से कम होकर 18% पे आ गए। ये दो दिन का जो असर, जो अभी ये दो दिन है, इसका असर अगले 3-4 दिन के अंदर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, वो जो SOPs ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना कि रात इफ्तारी के बाद सहरी तक सब कुछ बंद रहे, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमें, आपको पता है, हम लोग बतौर कौम जो है अगर ना सुने, मतलब वही वाली बात है, वो
आप ये होता था कि सहरी और इफ्तारी के दरमियान लोग बाहर बैठे रहते थे, लोग ढाबों पर जाकर, मतलब सब कुछ हो रहा था और SOPs उस तरह नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे थे। इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, आप खुद देखें ना, इन्फेक्टिविटी रेट कम हो गया और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह की अगर सख्ती की जाए तो इन्फेक्टिविटी रेट डेफिनेटली कम होगा और इसका फ़ायदा सारों को होना है। और इस एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हुए, क्योंकि लाहौर में सबसे इफेक्टिव मुअस्सर रहा है हमारा लॉकडाउन, उम्मीद है कि आइंदा इन फ्यूचर, अच्छा आइंदा के लिए हम इसी तरह इफेक्टिव रखें तो इंशाल्लाह इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम हो जाएगा। हम इस वक्त प्लेटो कर गए हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, वी आर प्लेटोइंग। जितने मरीज़ हमारे आ रहे हैं अस्पतालों में उतने सेहतमंद होकर घर जा रहे हैं, कुछ थोड़ी सी तादाद में कमी आई है, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है कि लोग फिर एक जी कम हो रहे हैं तो हम सड़कों में निकल आए हैं बाहर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आपने SOPs भी इम्प्लीमेंट की। अच्छा, मैं अगली बात, बिफोर आई गो ऑन टू द क्वेश्चंस, एक और रिक्वेस्ट है कि आप सारे जर्नलिस्ट के लिए ना, आपके जो उसके लिए वैक्सीनेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमें लिस्टें चाहिए होंगी, वो आप हमें कौन को प्रोवाइड करेगा ताकि उस पर काम शुरू कर दें हम, क्योंकि पिछली दफ़ा आपने कहा था उसका हमने इंशाल्लाह अप्रूवल ले लिया है, तो आप सारों की वैक्सीनेशन का भी बंदोबस्त कर रहे हैं फॉर द प्रिंट मीडिया, आप सबका। जी बताइए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी लिस्टें वगैरह तो प्रोवाइड हो जाएगी आपको। असल अब ये है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, जो कि इस वक्त सारे के सारे मामले का मेन स्टेक होल्डर है, इस वक्त दो दिन बाद योम अली है, योम अली के साथ साथ इत्तेकाफ के मराहिल भी शुरू होने लगे हैं। NCOC ने अपनी कल रात को जो रिकमेंडेशंस है वो दे दी हैं। पंजाब हब है, लास्ट टाइम भी वायलेशन हो गई थी योम अली के मामले पर, इस मरतबा और कुछ स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि आपने हर सूरत आज़ादारी भी करनी है, जुलूस भी निकालनी है, पंजाब गवर्नमेंट किस तरीके से इस मामले को आयरन हैंडेडली डील करेगी, और ये बता दें कि 22वें 23वें रोजे के बाद ये धोखों की जा रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जो कि ईद के बाद तक एक्सटेंड रहेगा, ये प्लान किस हद तक आपका कार्ड्स पर है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता हमारी एक टास्क फोर्स भी बन गई है उस पर, जिस पर रोज़ाना मीटिंग होती है। कल की मीटिंग के अंदर ACS होम और औकाफ ये सारे बैठ के दे हैड अ डिटेल मीटिंग और उनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। योम अली पे तो आपको पता है कि प्रोसेशंस के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, फाइन राइट। और इसके अलावा ये भी बात है आपको बताऊँ कि जहाँ तक इतकाफ़ का ताल्लुक है, उस पर भी कल एक डिसीजन दी गई है कि इतकाफ़ जो है वो लोग घर पे करें, बिकॉज वी डोंट वांट, जिस तरह पिछले साल भी हमने कहा था कि जी आपने मस्जिदों में नहीं करना, ये सिर्फ ये है कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ईद की आप बिल्कुल सही बात, असल सुपर स्प्रेडर जो है हमारा ईद पे होना है। आपको पता 6 छुट्टियाँ दी जा रही हैं और कोशिश की जाएगी कि SOPs पे प्रॉपरली उस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। हर चीज़ क्योंकि बड़ी, आपको पता फ्रूट स्टेट के अंदर आप हर रोज़ की फिगर्स देखते हैं, हर रोज़ के स्टैटिस्टिक्स, ये तो हमारी मेरा ख्याल है बहुत खुशनसीबी है कि NCOC की वजह से जब हम सारे अपनी डेटा भेजते हैं तो एक आपको ओवरऑल पिक्चर जो है उसकी वो नज़र आते शुरू हो जाती है, तो उसको ओवरऑल पिक्चर इस मरतबा बहुत सख्ती की जाएगी। मैं ये ऑलरेडी आपको बता दूँ, वजह यह है कि लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों को वैसे भी एहसास करना चाहिए कि एक वबा फैली हुई, ये कौन सा वक्त है कि हम ईद की खुशियां मनाएं, ये वक्त है कि हम ईद पे दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाले। और मेरा ख़्याल है अगर हम सादगी से ईद मनाएं और जो पैसे बचाएं कपड़े और जो ऑल फॉल पे हम खर्चा करते हैं, तो किसी गरीब दोस्त के काम आ जाएगा, कोई आपका गरीब साथी है उसके काम आ जाएगा, आपके घर पे कोई मुलाजिम काम करता है, आप किसी को जानते हैं जिसको आपके पैसों की ज़रूरत है, हर बंदे को किसी ना किसी का, मेरा ख्याल है हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है ना वो 10 बंदों को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई घर वाले होंगे, कोई दोस्त अहबाब होंगे, तो हम जितनी सादगी से ईद मनाएँगे उतना ही अल्लाह ताला की ज़ात भी हमसे खुश होगी और मेरा ख्याल है हम एक दूसरे की मदद ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो ये मेरी इल्तिजा है लोगों को, ये कौन सा वक्त है, हम एक सख्ती में से गुजर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द इस वबा से निकलें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका देगा, हज़ारों खुशियाँ मनाएंगे। जी बेटा, मैडम ये बता दें, अभी आपने कहा जी कि मियांवाली में एक स्ट्रेन रिपोर्ट हुई है, वो स्ट्रेन का बता दें कि वो ब्राज़ीलियन है या अफ्रीकन है। दूसरा, आपने मीडिया में थोड़ा सा ब्लेम किया कि हम जो है वो गलत स्ट्रेन चला रहे हैं। 2 दिन कबल जो DC लाहौर ने जो दावा किया है कि पंजाब लाहौर के अंदर जो है वो 5 अफ्रीकन स्ट्रेन के केसेज रिपोर्ट हुए हैं,
उनके इस गैर जमादाराना रवैये के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है, क्या आपने उससे पूछताछ की है कि उन्होंने ये दावा किस तरह किया है कि ये 5 ब्राजील अफ्रीकन जो ट्रेन है वो लाहौर में रिपोर्ट हो चुकी है? किसने कहा आपको ये? किसी लाहौर साहब ने 2 दिन पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। किसने किया है रिपोर्ट? किसी लाहौर ने। देखिए मैं डीसी साहब से दूसरा ये बताते हैं कि आपने कहा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ये आपके लिए थोड़ा सा इशू है। अभी 3 दिन कबल जो है वो कैबिनेट को एक प्रेजेंटेशन दी गई है स्पेशल डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमें PKLI में हमें जो है न्यू में हमें जो है वो अदर एक्सपो के सेंटर के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने में मुश्किल का सामना आ रहा है। जो हमारी इंडस्ट्री जो 4 कंपनियाँ इस वक्त बना रही हैं उन्होंने 70% डाइवर्ट कर दी है उसके अंदर। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने पहली वेव के अंदर ये ऐलान किया था कि हम अपना प्लांट लगा रहे हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है वो फाइल में दब चुका है, अब तक प्लांट नहीं लगाया आपने। ऑक्सीजन की आप वेंटिलेटर बढ़ा रही हैं, आप हाई डिपेंडेंस यूनिट के बेड जो है वो बढ़ा रही हैं, लेकिन ना आप जो है वो स्टोरेज के लिए कुछ कर रही हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कि उसकी स्टोरेज के लिए कुछ किया जाए। मतलब आप देखिए ना सिलेंडरों पे जो है वो भाग किया जा रहा है, जो टैंकर हैं वो कब तक आप जो है वो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में। अच्छा मेरा ख्याल है आपने सारे सवाल पूछ लिए, किसी अस्पताल ने आपको बताया कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है? नंबर वन आपको तो किसी अस्पताल ने नहीं बताया ना कि उसके पास ऑक्सीजन कम है। मैं एक सेकंड, आपको वी आर इंश्योरिंग दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हमने ये सामने बैठे हुए हैं असद असलम साहब, इन्होंने ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आर टीम, हर हॉस्पिटल के अंदर हर रोज़ सुबह और शाम 2 वक्त जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनसे डिटेल लेते हैं कि ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी भी इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिज इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैज टोल्ड अस, जो हमारे पास इस वक्त सिटिंग कैपेसिटी है अपना उसकी क्या कहते हैं एक्सपो की, वहाँ हमने 280 बेड्स और फाल किए। मैं ऐसी अनाउंसमेंट क्यों करूँगी अगर मेरे बेड फाल ना हो? नंबर दो, जहाँ तक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन का है वो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछूंगी उनके पास कहाँ से। जी मैंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन आपने बताया ना मुझे तो मैं उनसे पूछ लूँगी कि उनके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास तो 2 सोर्सेज हैं। मेरे पास एक अपनी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ जो मेरे अपने डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, जिनके पास जीन सिक्वेंसर है जो काम कर रही है, उसने मुझे जो रिपोर्ट दी वो मैंने आपको बता दी। फिर मैंने जनरल इकराम से सुबह आने से पहले, बिकॉज मुझे पता था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात होगी, तो मैंने उनसे सारी डिटेल ली, वो मेरे पास मोबाइल पे सारी डिटेल भी है। 2 मरीजों का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा जी ये 2 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए, जो जो एक्चुअली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ, हम आपसे कभी कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। जहाँ तक जीन सीक्वेंसिंग की यहाँ करने का ताल्लुक है लाहौर के अंदर मतलब पंजाब के अंदर, वो ऑलरेडी हमने उसके प्राइमर्स वगैरह मंगा लिए हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर हम उसके ऊपर भी काम। क्या है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा है मैडम, उनको बताएं कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑक्सीजन सप्लायर्स के साथ भी मुझे अगर वो मैं देख लेती हूँ लेटर जो उसकी चीज़ का जवाब नहीं वो मैं दे दूँगी आपको, वंस आई हैव सीन इट मैं अनाउंस कर दूँगी। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं आप बताइए कि आपकी क्या बात हो चुकी है, ये आपको बता रही हैं दोनों बिकॉज बोथ द सेक्रेटरीज वर यस्टरडे देयर इन दैट मीटिंग, जिन मीटिंग के अंदर ये सारी बात जो थी ना उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। ऑक्सीजन की बात है बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन सप्लाई पे जो है वो गवर्नमेंट की पूरी तरह से नज़र है और जाहिर है जो सूरत हाल हमारे नेबरिंग कंट्री में इमर्ज की ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए वो हमारे लिए भी जाहिर है बहुत ही जो थी उस पर सूरत हाल पर तशवीश थी और हमने पंजाब के अंदर ऑक्सीजन सप्लाईज के ऊपर अपनी पूरी तरह से उसकी सप्लाईज को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अंदर जो बात आपने की है कि 70% ऑलरेडी जो है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में कंज्यूम हो रही है, कल चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और उसमें फेडरल मिनिस्टर हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी शामिल थे और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री पूरी शामिल थी और यहाँ से ACS होम और हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और हेल्थ डिपार्टमेंट्स दोनों शामिल थे और चारों जो मेजर सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन के उनके साथ बहुत तफसीली मीटिंग हुई है और अरेंजमेंट्स के ऊपर पूरी बात हुई है कि अगर हमने अपनी सप्लाईज रैंप अप करनी है, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अभी आपको मिनिस्टर साहिबा ने बताई कि हमने एक्सपो को फंक्शनल करने का जो प्लान कर लिया है, कल से इंशाल्लाह फंक्शनल होगा, वो ऑक्सीजन सप्लाईज वहाँ से शुरू हुई हैं तो हमने की है
ऑक्सीजन जनरेटर्स की आप बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑक्सीजन जो हमारा जनरेटर ऑलरेडी काम कर रहा है रावलपिंडी के अंदर, दूसरा जो है वो डीजी खान के अंदर इंशाल्लाह अनकरीब इसी 10th May या 15th May तक इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल होगा। अब लाहौर के जो बाकी बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जिना हॉस्पिटल में आपने अभी देखा है कि एक जो है वो बहुत बड़ी कैपेसिटी का फर्दर एक टैंक ऐड कर दिया गया, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इसके ऊपर पूरी तरह से गवर्नमेंट की नज़र है। रोज़ टास्क फोर्स की मीटिंग मिनिस्टर लॉ और मिनिस्टर हेल्थ के अंडर लीडरशिप में ये डेली मीटिंग हो रही है और इस सूरत हाल को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा जी, ये बताइएगा कि नबील लेवान साहब के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उनकी ब्यूरोक्रेसी में हायरत के साथ कुछ टसल है और वो इसी बाइस जो है वो 15 रोज की जो है वो रुख्सत लेके जो है वो जा चुके हैं, इस हवाले से काइंडली क्लैरिफाई कर दीजिएगा, वेरिफिकेशन जरूरी है इस खबर की। और दूसरी जानब 2 से 3 माह कबल जो है वो जीन सीक्वेंसिंग के लिए मशीन इक्विपमेंट जो है वो पंजाब ने भी खरीदा था, प्रोक्योरमेंट की थी, लेकिन अभी तक पंजाब के अंदर जीन सीक्वेंसिंग जो है वो शुरू नहीं हो सकी है, कब तक प्लान कर रहे हैं आप? किसकी प्रोक्योरमेंट दोबारा रिपीट करें? जीन सीक्वेंसिंग के लिए इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट की गई थी, जीन सीक्वेंसिंग पंजाब में की जा रही थी जो कि पहले अभी तक वो NIH के अंदर हो रही है, लेकिन अभी तक लाहौर के अंदर या पंजाब में शुरू नहीं की जा सकी। जीन सिक्वेंसिंग, ओके बेटा, जीन सिक्वेंसिंग की तो ऑलरेडी काम हो रहा है हमारा। हमारा लैब जो है इस वक्त जो लाहौर का जो सेंट्रल लैब है प्राइमरी सेकेंड हेल्थ केयर के अंदर जिसने सबसे पहले अपना काम शुरू किया, वी ऑलरेडी हैव अ जीन सिक्वेंसिंग मशीन देयर, उसके ऊपर हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है वो ऑलरेडी काम कर रही हैं, हमारे सैम्पल्स जो हैं उनको बाकायदा देखा जाता है कि कौन से वेरियंट्स आ रहे हैं सामने, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपका जवाब दे रही हूँ। और जहाँ तक नबील साहब का ताल्लुक है, कुछ पर्सनल वजह से उन्होंने छुट्टी ली है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कंट्रोवर्सी अबाउट इट। जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आपने जिस तरह वैक्सीन के बारे में बताया कि उसकी प्रोक्योरमेंट काफ़ी बेहतर हो गई है और आप एक्साइटमेंट भी शो कर रही हैं कि इस वक्त इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, 80,000 पे भी आप डेली वैक्सीनेशन पर जा रही हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जो रिस्पॉन्स था बड़ा डिलेड रिस्पॉन्स था, जिसकी वजह से जब आपने कहा जा रहा था कि हम मांगने पे लगे हुए थे, तो यस गवर्नमेंट इस वक्त कोवैक्स के लिए इंतज़ार करती रही, गिफ्ट्स के लिए इंतज़ार करती रही, अगर ये वैक्सीन हम प्रोक्योर जो अब कर रहे हैं, अगर पहले कर ली जाती तो ये जो बहुत सारी डेथ्स हुई हैं वो हम बचा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि जिन जिनको वैक्सीन लगी है उनके लिए ये लीथल नहीं हुआ जो कोविड है। इसके साथ साथ जो बात हुई लॉकडाउन की भी, तो NCOC ने भी 27 अप्रैल को जो एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन 2 वीक्स का लगा दिया जाए, लेकिन शायद उनको किसी प्रेशर के तहत वो लेटर वेरी नेक्स्ट डे विड्रॉ करना पड़ गया। तो इस वक्त जब तक ये जो ब्रेक नहीं होगा ये जो साइकिल है, तो वो ये हमने ये काउंट किया है कि पिछले 1 महीने में जो ओवर टोटल 14 महीने में जो 8,600 के करीब डेथ्स हैं उसमें से 2,000+ डेथ सिर्फ 1 महीने में हुई हैं, तो इसको ब्रेक करने के लिए ये ज़रूरी था कि आप लोग कहीं पे ये लॉकडाउन करके इसको साइकिल को ब्रेक किया जाता। देखें जहाँ तक था ना वैक्सीनेशन का सवाल आपका, जो हमारे साथ मैं हर मुल्क को एक कमिटमेंट की गई थी कि कोवैक्स जो है उन्होंने हमें वादा किया था कि एंड इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं है कि कोई आम अदारा हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अदारा था जिसने ये वादा किया था कि उन्होंने 20% हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने हमें वैक्सीन देनी, और उनका कमिटमेंट से फिर जाना जो था, आई थिंक इट हैज़ बीन अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर देम ऑल्सो। और उसकी कमिटमेंट पर फिर जाने की वजह ये थी कि इंडिया ने जो सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन का वो था उन्होंने इनकारी कर दी, विच बिकेम अनदर एम्बैरेसमेंट। अब मसला ये था कि इस वजह से आई एग्री विद यू कि डिले ज़रूर हुआ, लेकिन मकसद ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कोविड को मैनेज किया बाय स्मार्ट लॉकडाउन, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। देखिए आप एक गरीब मुल्क हैं, आपकी इकॉनमी में से 40-50% लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार लोग हैं, आप दिहाड़ीदार की काम रोक दें तो आपका दिहाड़ीदार जो है वो मार खा जाता है, और फिर उसके लिए हम कितनी उसको सब्सिडी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से बैलेंस करनी पड़ती हैं। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब लॉकडाउन का जिक्र हो, लेकिन अगर हम थोड़े से अपने SOP से जिस तरह अब सख्ती कर रहे हैं हम, और जिस तरह सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रही है, और हफ्ते में 2 दिन की भी जो एक मुकम्मल ब्रेक आती है,
इससे जो फ़र्क नज़र आ रहा है, अगर बाकी ज़िलों में भी इसी तरह सख्ती की जाए तो मुझे बहुत उम्मीद है। और इकल ऑलरेडी डिप्टी ऑल कमिश्नर्स, हमने दो दिन पहले जो मीटिंग की है उसमें सारे कमिश्नर्स ऑफ ऑल द डिविजन्स वो भी हमारे साथ मीटिंग में शामिल थे, जब उनको कहा है कि बहुत स्ट्रिक्टली आप SOPs का। तो ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि डिले इस वजह से हुआ, वी वर एक्सपेक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैकआउट कर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है, हमारे पास वो वैक्सीन आ गई जो दुनिया में अप्रिशिएट हो रही है, अदरवाइज़ तो फिर हमारे पास एस्ट्राजेनेका ही आता ना। और उसके ऊपर आपको पता कितनी कंट्रोवर्सी चली थी, डू यू रिमेंबर कि जी वेस्टर्न वो यूरोपियन यूनियन ने उसको रोक दिया था कुछ देर के लिए यूरोपियन बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग विच हैड कम अप। तो मेरा ख्याल है कि अब जो ये हमें वैक्सीन लग रही है सबको, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ वैक्सीन और इसका अच्छा इफेक्ट होगा इंशाल्लाह। देखें रोल आउट हमने किया है, इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट और आपकी वसादत से अगर आप जितनी इसको मशहूरी करेंगे तशहीर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगेगी। अगर इंशाल्लाह हम जिस तरह 3 करोड़ वैक्सीन आई, 4 करोड़ भी हम लगा देंगे तो आपका वो जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो बहुत वल्नरेबल है, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो मुझे बहुत उम्मीद है, अभी भी हालात जो हैं बाकी के मुकाबले में दे आर मच बेटर देन व्हाट इज़ हैपनिंग। और दूसरा सवाल आपने किया था जी लॉकडाउन की, तो मैंने आपको वजह बताई है। अगर ज़रा सा भी हमें लगता ना कि अब मज़ीद बढ़ रहा है नंबर, तो मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि इवन द प्राइम मिनिस्टर हैड टोल्ड अस कि अगर ये मज़ीद बढ़ा तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए सबको। वजह यह है कि वो भी परेशान है इस बात पे। नेचुरली जब आप फौतीदियाँ सुनते हैं तो कौन नहीं परेशान होगा, हम सारे परेशान होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि अब जैसे लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर कम हो गया और इसी तरह अगर लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और लोग जो हैं वो संभल के रहे और वैक्सीन जो है वो लगती रही, तो मेरा ख्याल है कि हालात इंशाल्लाह 1 माह के अंदर बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप बेटा पूछना चाह रहे थे।